अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी रेसिपी है चिकन ब्रेड की। चले आए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के लिए जो डो के इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, 4 कप मैदा मतलब ऑल पर्पज फ्लावर, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून सूखा मिल्क नीडो हो या डानो, 5 टेबल स्पून तेल, 1 अदद अंडा। और यहाँ पर जो मेरे पास यीस्ट है वो मेरी एक्टिव ड्राई यीस्ट है, जिसके जिसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह बनाने के थे कि 1 टेबल स्पून यीस्ट में 1 टीस्पून चीनी को लेकर और उसमें थोड़ा सा 5 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल के और इसको स्टर कर लें, तो ये हमारी यीस्ट रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर है, जो कि ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ यीस्ट की स्मेल हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे थे वो हम सब अपने ऑल पर्पस फ्लावर में ऐड कर देंगे और इसको नीम गर्म पानी के साथ हल्के हाथों से हम अपना आटा को गूंद लेंगे। अगर आपके पास इंस्टेंट यीस्ट है तो आपको उसको इस तरह से मिक्स करके चीनी के साथ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंस्टेंट यीस्ट को अपने आटे में मिला सकते हैं। और जो पाउडर मिल्क है वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ करें और अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आटे को गूंदने में हमें 10 मिनट से गूंद रहे थे और अब हमारा जो डो है वो रेडी है। हम उसको एक बोल में थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसको ऊपर से कवर करके 1-1.5 घंटे तक ढक कर रख देंगे। अगर आप चाहें तो अपना डो जो आपने रेडी किया था वो अपना आप माइक्रोवेव के अंदर इसको सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं जब तक कि ये फूल ना जाए। जब तक हमारा डो रेडी होता है हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन ब्रेड की फिलिंग बनाने के लिए 3 टेबल स्पून हमें बटर चाहिए है, 1 मीडियम साइज की चॉप्ड प्याज चाहिए, 3 टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लावर मतलब मैदा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, यहाँ पर 2 कप मिल्क है दूध, यहाँ 3 कप श्रेडेड चिकन है जिसको मैंने पानी में डाल के और नमक और काली मिर्च के साथ बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया है, थोड़ा सा धनिया चाहिए 2 टेबल स्पून के इक्वल और 3-4 अदद हमें ग्रीन चिलीज चाहिए और अप टू टेस्ट। चूल्हे की आंच को मीडियम पे रखेंगे और हम इसमें बटर ऐड करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें हम अपने 1 मीडियम चॉप्ड अनियंस ऐड करेंगे और इसको सौते करेंगे 5 मिनट्स तक। 5-6 मिनट के बाद आप अपने ड्राई जो आपके पास 3 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर और काली मिर्च नमक और गरम मसाला था वो सब हम इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें अपना जो हमने मिल्क यूज करना है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। दो कप मिल्क था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको स्टर करेंगे, 1-2 मिनट तक स्टर करेंगे। 1-2 मिनट हो गए हैं और इस तरह की हमारा टेंडेंसी हो गई सॉस की। हम इसमें अपनी चिकन और हरी मिर्चें, धनिया सब कुछ ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह स्टर करेंगे, मिक्स करके इसको, और हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसमें जो लिक्विड पना है ये खत्म हो जाए, हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे 1-2 मिनट के बाद। 1 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी इस तरह से हमें चाहिए है, हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारी चिकन फिलिंग रेडी है और अब हम अपना जो आटा था उसे देख लेते हैं। 1 घंटा हो गया है और हमारा डो अच्छी तरह से राइज हो गया है, डो रेडी है। ससमी सीड हमें ऊपर एग वॉश के बाद, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। क्रीमी चिकन रेडी है, ये एग वॉश के लिए चाहिए है और यहाँ पर एक पैन है जो ऑयल से ग्रीस्ड है। अब जितने हमें इसमें बनाने हैं हम उतने इसके पेड़े बना लेंगे। जितना एक पराठा या एक रोटी के इक्वल एक पेड़ा होता है उससे थोड़ा डबल 2 पेड़ों का हम आटा लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे, इस तरह से गोल पेड़ा बना के इसको अपने
यहाँ रखेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको हम लॉन्ग वेज बेलेंगे, लंबाई की तरफ। इसको इस तरह पहले हाथ से इसको लंबा कर लें और फिर इसको बेलें, तो ये इजी होगा आपको इसकी शेप देने के लिए। इस तरह से हाथ से बेलते जाएं। लॉन्ग साइड पे और वाइडली भी थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। ज्यादा अपने इस पीस को हम मोटा नहीं रखेंगे ताकि बेक जब होगा तो ये अंदर से कच्चा ना रह जाए, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसको पतला करना होगा। और इस तरह से हमें ये ओवल शेप का रेडी करना है अपना। और हमें अब हम कोई भी अपनी नाइफ ले लेंगे जो थोड़ी तेज़ होगी और उससे हम लोग कट लगाते जाएंगे। जितने यहाँ लगेंगे उतने ही लेफ्ट साइड पर लगेंगे। और ये लास्ट, और अपनी क्रीमी चिकन की फिलिंग लेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में इसको हम ऐड करेंगे। और देखिए इसको हमने बाइंड कैसे करना है। यहां से पहला स्ट्रैंड का लेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर लेफ्ट वाला लेंगे और राइट की तरफ जाएंगे, फिर ये लेफ्ट वाला लेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। इस तरह करते करते हम इसकी, जैसे हम चोटी बांधते हैं, इस तरह से हम लेफ्ट राइट करते जाएंगे दो स्ट्रैंड्स के साथ। इस तरह इसको लेंगे हम इस तरह। और हमारा जो ओवन है वो इस टाइम 390 फ़ारेनहाइट और 200 सेल्सियस पे प्री हीट हो रहा है। देखें आखिर में इस तरह से, और ये लास्ट वन इस तरह चला गया। और हम अपने एग को अब फेंट लेते हैं। हम अपना एग वॉश जो है अपने सारी ब्रेड्स के ऊपर इस तरह से एग वॉश करेंगे। अच्छी तरह राइट लेफ्ट हर जगह पे, जहां जहां, और अगर, और ये सेसमी सीड्स अगर आपको पसंद है तिल, तो हम इसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसको बहुत हल्के हाथों से उठा के अपने जो हमारी डिश है, जो हमारी बेक होगी, हम उसमें इसको रखते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने आपको बनाने हैं। छोटे साइज के बनाएंगे तो ज्यादा बन जाएंगे, और अगर मीडियम लोव्स होंगे तो पांच तो एटलीस्ट बन ही जाएंगे। इस तरह से इसको पहले लंबाई में करके और फिर इसको ओवल शेप में बेल लें। मेक श्योर जितने हमने राइट पे निशान लगाए हैं उतने ही हम लेफ्ट पे निशान लगाएंगे। इसी तरह की हम अपने सारे डो के बना लेते हैं। 90 फ़ारेनहाइट और 200 सेल्सियस पे मैं इन्हें बेक करने रख रही हूँ फॉर 20 to 25 मिनट्स, जब तक ये ऊपर से ब्राउन ना हो जाए। चले आए मिलते हैं 20-25 मिनट्स में। 25 मिनट्स हो गए हैं और हमारी चिकन ब्रेड जो है वो बेक हो गई है। चले आए इसे डिश आउट करते हैं। हम जब इनको अपने ओवन से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो भी जिस किस्म का बटर होगा या मार्जरीन आपके पास, तो हम इसको ऊपर से इस तरह से कर देंगे ताकि ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। और इस तरह से ये सारी ब्रेड मेरी रेडी हो गई हैं और सब पे मैंने बटर लगा लिया है। और मैं इन्हें अब एक डिस्पोजेबल फॉइल या जो भी आपके पास है, जिसके पास ऊपर कवर है, इस तरह से लेके सब में ऐड करती जाऊंगी। अच्छे से बैग में भी हम इसके लगा लेंगे बटर, और अब हम इनको उठा के अपने इसमें रखते जाएंगे।
हमारी चिकन ब्रेड रेडी है और हम इस तरह से फॉइल में लेके इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि अंदर तक ये सॉफ्ट हो जाएं। और ये चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।